बिग बॉस सीजन 15 के घर में तो देख ही लिया है आपने कि किस तरह से बिग बॉस OTT के कंटेस्टेंट्स के बीच में ही घमासान युद्ध होते नजर आ रहा है। और अब शमिता शेट्टी ने भी प्रतीक सहजपाल पर सेल्फिश होने का इल्जाम लगाया है। आखिरकार क्यों लगाया है और इसके पीछे की क्या वजह है, चलिए पूरी खबर मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूँ कि जहाँ पर शमिता शेट्टी और प्रतीक सहजपाल के बीच में अब दूरियाँ नजर आने लगी है और वहीं पर प्रतीक सहजपाल भी इस बात से डिनाई करते हैं कि हम यहाँ ग्रुप में नहीं खेल रहे हैं, हम यहाँ पर्सनली खेल रहे हैं, इसलिए तो आपने जाकर उन्हें मैप दे दिया। वेल, शमिता शेट्टी इस बात पर जवाब देते नजर आती हैं कि अगर तुम ग्रुप में नहीं खेल रहे हो, तुम अगर सोलो खेल रहे हो तो हम भी सोलो खेल रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन तुम्हारा मानना पड़ेगा कि तुम जिस तरह से बाथरूम का लॉक तोड़ चुके हो, तुम बहुत ही एक सेल्फिश इंसान हो और साथ ही साथ तुम किसी की भी फीलिंग्स नहीं समझते हो, तुम बहुत ही केयरलेस हो, बाकी बहुत कुछ बोला शमिता शेट्टी ने गुस्से में। वेल, आपको बता दो कि जितना बिग बॉस OTT की ये कंटेस्टेंट यानी कि शमिता शेट्टी जितना OTT में लड़ते हुए नहीं दिखी थी, जितना स्टैंड लेते हुए नहीं दिखी थी, उतना सब कुछ मिला जला कर बिग बॉस सीजन 15 के घर में उनका एक गजब ही रूप देखने को मिल रहा है। बिग बॉस सीजन 15 में शमिता शेट्टी एक नया गेम प्लान बना के आई हैं और वो उसको इंट्रीगेट बहुत ही अच्छे से कर रही हैं। वेल, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।